हेलो दोस्तों, INC24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सबसे पहले हमारी न्यूज प्राप्त करें। उज्जैन की शांति पैलेस होटल को आज नगर निगम के अमले ने विस्फोटक विशेषज्ञ के साथ मिलकर हाईकोर्ट की डबल बेंच के निर्देश मिलने के बाद धराशायी करने पहुंची थी, जहां सबसे पहले निगम की टीम ने दीवारें तोड़ी, जिसके बाद विस्फोटक लगाकर उड़ाया जाएगा। बताया जाता है कि शांति पैलेस होटल को उसके मालिक ने निगम के अधिकारियों से साठगांठ करके गृह निर्माण संस्था की खरीदी हुई रेसिडेंशियल भूमि पर कमर्शियल होटल तान दी थी, जहां मामला काफी समय से कोर्ट में चल रहा था, जिसे आज गिरा दिया गया। इंदौर रोड पर स्थित होटल शांति पैलेस को आज निगम के अमला पुलिस फोर्स के साथ ही विस्फोटक विशेषज्ञ की मौजूदगी में धराशायी करने पहुंची। अल सुबह निगम की टीम ने JCB और अतिक्रमण टीम लेकर शांति पैलेस और पुलिस बल के साथ विस्फोटक विशेषज्ञ की मौजूदगी में कार्रवाई शुरू की, लेकिन सबसे पहले टीम ने होटल की दीवारों को धराशायी किया, जिसके बाद विस्फोट लगाया जाएगा। हालांकि इस दौरान होटल संचालक ने अपना विरोध भी दर्ज कराया और कार्रवाई के लिए समय की मांग की, लेकिन निगम के अधिकारियों ने एक ना सुनी और सीधे कार्रवाई की जगह होटल को JCB की मदद से तीन दिशाओं से तोड़ दिया। होटल को विस्फोटक लगाकर उड़ाया जाएगा, जिसके लिए विशेषज्ञ शरद सरवटे आज विस्फोटक लगाएंगे, उसके बाद उसे उड़ाया जाएगा। होटल संचालक का कहना है कि अवैध अतिक्रमण निगम की टीम को हटाना था, लेकिन निगम अधिकारियों और शिकायतकर्ता की मिलीभगत के कारण पूरी होटल को तोड़ा जा रहा है। हालांकि शांति पैलेस होटल गृह निर्माण संस्था की रेसिडेंशियल एरिया में बनी, जो कि कमर्शियल में आती है, इसी के चलते होटल को अवैध करार दिया गया और कोर्ट की डबल बेंच ने भी तोड़ने के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि होटल की सारी अनुमतियां भी पूर्व में निरस्त की जा चुकी हैं, वहीं रजिस्ट्रियां भी शून्य की जा चुकी हैं। नहीं, माननीय हाई कोर्ट ने इसको जो अवैध निर्माण से संबंधित नगर निगम ने जो कार्रवाई की थी उसको सही ठहराते हुए उसको हाई कोर्ट ने माननीय डबल बेंच से निर्देश हुए थे कि जो अवैध निर्माण है सारा हटाया जाए, उसके क्रम में आज हम कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे केवल जो भी निर्माण जिस तरीके से भी अवैध के जो बिना अनुमति के या जो स्वीकृत लेआउट जो प्लान देता है आवासीय प्लाट पर कमर्शियल निर्माण से संबंधित शिकायत थी, जिसके क्रम में कार्यवाही माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में आज उसको हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए थे कि अवैध निर्माण हटाने संबंधी, उसको हटाने के लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पहले हमारे इसके लिए विस्फोटक विशेषज्ञ सरवटे जी आए हैं और वो जैसा जैसा निर्देश दे रहे हैं उसके क्रम में हम आज अभी हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसका पूरे का पूरा हिस्सा जो है उसको अवैध माना है, ये तो अभी इस पर जैसे कार्रवाई हमारा काम जो है कि कॉलम रिक्त करा के देना, उसके बाद ये कार्रवाई अगर आज हो सका तो आज ही, नहीं तो कल करेंगे। इसमें लगभग नगर निगम के 250 से 300 स्टाफ लगा हुआ है, 100 के करीब पुलिस वाले भी हैं और जो भी संसाधन हमको नगर निगम में जरूरत है सारे लगाए हुए। INC24 न्यूज के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।